The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Coronavirus ke phailte hue अगर आपको फ्लू हो रहा है या आपको फ्लू जैसा कोई सिम्टम हो रहा है तो क्या आपको अपना कोरोना वायरस का COVID-19 का SARS-CoV-2 का टेस्ट कराना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, जी नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप बाहर की कंट्री से कहीं ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस इसके पाए गए हैं ऐसी जगह से होके आए हो, नंबर एक, या आप एक्चुअल चाइना से या वुहान से आए हो, नंबर दो, या आपके इलाके में बहुत सारे लोग या एक से ज़्यादा, एक ही परिवार में दो से ज़्यादा लोग, एक ही कंपनी में, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में दो से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस पाया गया हो, तब आपको अपना टेस्ट करना चाहिए अगर आपको फ्लू हो रहा है। और अगर वो फ्लू के सिम्टम्स निमोनिया तक या बेहतर खराब होते जा रहे हैं तब वो करना चाहिए टेस्ट। हरेक का फ्लू वाला टेस्ट जो नहीं करना चाहिए, RT-PCR हरेक का नहीं, नंबर एक, क्योंकि उस फ्लू वाले टेस्ट का अपने आप में रेट काफ़ी ज़्यादा है। एक नॉर्मल RT-PCR 3-4 हज़ार का होता है, 3-3.5 हज़ार का। अब ये शॉर्टेज में, जबकि इस कोरोना वायरस का जो प्राइमर है, जो RNA प्राइमर है, वो बन रहा है, कंपनी से किट आ रही है, वो किट अपने आप में कम अवेलेबल है जितने होने चाहिए, कि भाई दुनिया में सबका टेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है कि हर घर में टेस्ट करो। आज कर लोगे टेस्ट, कल होगा तब क्या करोगे? टेस्ट करने के बाद क्या गारंटी है कि आपको नहीं हो सकता? फिर भी हो सकता है। या ये गया थोड़ी है, खत्म थोड़ी हो गया कि आज छी हुआ टेस्ट करा लो, दो दिन के बाद फिर छी फिर टेस्ट करा लो, फिर चार दिन के बाद फिर छी टेस्ट करा लो, नहीं। सबको, हरेक को कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराना चाहिए। सीधी बात, जिसको डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है, आपने कोरोना वायरस के लिए या अपने फ्लू के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्लू है, आपको सर्दी है जो ठीक नहीं हो रही, राइट, नॉर्मल फ्लू के लिए आप घर में खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा रेस्ट लीजिए, खूब सारा अदरक वाली चाय ले लो आप, नारियल पानी पीजिए, एक नॉर्मल मैनेजमेंट, वो तो सबको करना है। नॉर्मल फ्लू का मैनेजमेंट यही है जो डॉक्टर भी बताता है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ओरल स्टीम्स लेना है, गला खराब है तो गरारे करना है, बीटाडीन गरारे, नमक पानी के गरारे, और ज़्यादा हो गया तो कुछ एंटीस्टामिक्स ऐसी देते हैं रात को लेने के लिए, और अगर दिक्कत ज़्यादा लग रही है, बैक्टीरिया लग रही है, तो एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल लग रहा है तो यही ट्रीटमेंट होता है, वायरल लग रहा है तो मॉनिटरिंग होती है, वायरल लग रहा है तो हर केस का COVID-19 का टेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। इतने नहीं है पूरी दुनिया में किट अवेलेबल, और इतना सस्ता नहीं है किट। ये तो अभी हमने 3-4 हज़ार रुपए बताया, पता नहीं अब कितने का बिक रहा होगा, हर जगह अलग अलग रेट होंगे, राइट। सो यहां पर सिलेक्टिव पेशेंट्स का करना चाहिए, और जब एक पेशेंट मिलता है तो उसके आसपास के लोगों का करना चाहिए। दैट इज हाउ यू सिलेक्ट द पेशेंट, ताकि और फैलने से रोका जाए। अगर कोई मिलता है कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा हॉल, कोई ऐसी जगह जहां वो पेशेंट था या गया था, और पेशेंट के वहां से फैलाने के चांसेस हैं, तो उन लोगों को फिर हम रखते हैं जो क्वारंटीन में, उन लोगों को हम रखते हैं सर्वेलेंस में। सर्वेलेंस का मतलब कम्युनिटी सर्वेलेंस होता है। कम्युनिटी सर्वेलेंस का मतलब है कि उनको निगरानी में रखा जाता है कि कौन उनमें से बीमार हो रहा है, किसको फ्लू हो रहा है, किसको नहीं हो रहा। जिसको फ्लू हो रहा है, दिक्कत बढ़ रही है, तो उसका भी टेस्ट किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक फ्लू वाला पेशेंट जो है, नॉन पेशेंट, कहीं चला गया, एक ऑडिटोरियम में चला गया, उसमें 200 लोग हैं तो 200 को 200 का टेस्ट करते रहेंगे, नहीं। 200 के 200 में जो जब बीमार होगा तब टेस्ट होगा। ये मेडिकल साइंस है, ये बेवकूफ पंथी नहीं है कि जितने मिले उसके टेस्ट करते जाओ बस। सो नो, एवरीबडी शुड नॉट गेट अ कोरोना वायरस PCR टेस्ट डन किट, बिल्कुल नहीं। डोंट वेस्ट रिसोर्सेस। अगर आपके पास में, अगर डॉक्टर्स के पास में वो किट अवेलेबल आ जाती है, जो कि अवेलेबल होगी, तो डोंट वेस्ट द किट्स।
ये जरूर आने वाला है, ये फैलने वाला है, लोगों को होगा, तो उन लोगों के लिए जरूरी है जो ज्यादा बीमार होते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जिनमें नेगेटिव 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 करके हम वेस्ट करें। सो यस, अगर लग रहा है आपको कि आपको जरूरत है, गो टू अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, एक पल्मोनोलॉजिस्ट, एक चेस्ट फिजिशियन, एक एमडी फिजिशियन के पास जाइए, उससे अपना चेकअप कराइए। अगर उनको लगता है कि आपके लोअर रेस्पिरेटरी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, थोड़ा सा भी निमोनिया का शक है, तो आपको टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रीमिल टेस्ट करे नहीं करे, ट्रीटमेंट नहीं बदल रहा, ट्रीटमेंट वही है प्रिलिमिनरी। चाहे आपको फ्लू वायरस हुआ हो, चाहे आपको COVID-19 वायरस हुआ, चाहे कोई भी वायरस हुआ हो, ट्रीटमेंट वही है प्राइमरी केयर, ट्रीटमेंट वही है खूब सारा पानी, खूब सारा रेस्ट, आइसोलेशन, खुद ने मास्क लगाना, पेशेंट ने मास्क लगाना सबसे जरूरी है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सबको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जो पेशेंट है वो लगाए, जिसको छींक आ रही है, जिसको सर्दी है वो लगाए, और जो पब्लिक प्लेसेस में जा रहा है वो लगाए, अपने घर में अपने ऑफिस में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मास्क खरीद खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी चलेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने से बचाएगा, होने से रोकेगा, खुद का होगा तो आगे बाहर नहीं निकलेगा, दूसरा आपके मुंह पे छींकेगा तो आपके नाक में नहीं जाएगा, वो सर्जिकल मास्क भी काफी है, एक सिंपल कपड़ा भी काफी है। हाँ, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर है, जो नर्सेज है, जो स्टाफ है, उनको चाहिए N95, N91 ऐसे मास्क चाहिए, तीन लेयर वाले, उनको अच्छे मास्क चाहिए, बिकॉज वहां पर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं नॉन पेशेंट्स के। सो मास्क हो गया, टेस्ट हो गया, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस वेस्ट मत करो, करना भी मत, सारे पब्लिक से, सारे डॉक्टर्स से ये एक रिक्वेस्ट है, अपील है, इसको शेयर करो, जितना हो सके लोगों को बताओ। एक पैंडेमिक में सबसे जरूरी यही है, रिसोर्सेस का वहां इस्तेमाल होना जहां उसकी जरूरत है, ना कि दुनिया भर के सिर्फ अमीर लोग अपने पास भर भर के रख लें, ताकि गरीबों के पास में या लिटरली डॉक्टरों के पास में मास्क ना मिले, जो आज हो रहा, आज हॉस्पिटल में मास्क नहीं मिल रही है, बिना मास्क के पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है, डॉक्टर को रिस्क हो रहा है, डॉक्टर इज गेटिंग रिस्क, डॉक्टर बीमार हो जाएगा तो आप किसके पास जाओगे, बिना फालतू के मास्क खरीद खरीद मत रखो, प्लीज अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ यूजिंग टेस्ट एंड मास्क। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट देम डाउन, क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, और प्लीज उल्टे सीधे न्यूज, उल्टे सीधे चीजें देखना बंद कर दीजिए, इसके ऊपर गलत इंफॉर्मेशन की भरमार है दुनिया में, लोग आपको डरा के आपके दहशत का फायदा उठाएंगे, अपने आप का नाम बनाने के लिए, और वट एवर, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट गेट अ कस्टम, डोंट गेट सकम टू देयर प्लान्स। थैंक यू।